दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं गंभीर न्यूज और मैं हूं संजीव गंभीर। कल सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आया है 10th और 12th का। कल हमने एक बेटी की पूरी सफलता की सक्सेस स्टोरी आपको दिखाई थी, नाम था उसका गार्गी पटेल। आज 12th क्लास की एक कामयाब बेटी से आपको मिलवाने जा रहे हैं, जो अपना परिचय भी खुद देगी, बताएगी क्या सफलता अर्जित की है। मेरे दर्शक बेटा देख रहे हैं आपको, क्या नाम है आपका और कौन से क्लास में आपने क्या हासिल किया है, बताना चाहेंगे? मेरा नाम श्रीश्री सुरु शर्मा है और मैं विद्या भवन स्कूल की क्लास 12वीं की छात्रा हूँ और मैंने 97% प्राप्त किए। किस सब्जेक्ट में कितने हासिल किए हैं तो बता पाएंगे? मेरे इंग्लिश में 100 out of 100 है, इकोनॉमिक्स में 99 है, पॉलिटिकल साइंस में 96 है और हिस्ट्री में 95 है और हिंदी में भी 95 है। इस कामयाबी के बाद कैसा महसूस कर रही है मेरे दर्शक? बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि सबसे अच्छी बात ये लग रही है कि मम्मी पापा को जो प्राउड फील हो रहा है, जो गर्व महसूस हो रहा है, सबसे ज्यादा उससे ज्यादा खुशी हो रही है। जो उनकी पूरी मेहनत है बचपन से, जो उन्होंने मेरे ऊपर मुझे पढ़ाया, उससे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। इस सफलता का श्रेय, प्रत्येक कामयाबी के पीछे किसी न किसी का हाथ रहता है, आपको क्या लगता है इस कामयाबी जो आपको मिली है, आपने कॉलेज का प्रताप किया है भारतीय विद्या भवन पब्लिक स्कूल को, वो भी ह्यूमैनिटीज जैसे विषय में जहाँ बहुत नंबर मुश्किल से मिल पाते हैं, तो इस पर्दे के पीछे किसको श्रेय देना चाहेंगे? सबसे पहले अपने माता पिता और मेरा भैया, क्योंकि इन लोगों ने कभी भी मेरे ऊपर कोई तनाव आने नहीं दिया, जिससे मैं आराम से एकाग्र होकर पढ़ सकती हूँ। और दूसरे नंबर पे अपने शिक्षक को, जिन्होंने मेरे सारे डाउट क्लियर करे, जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम होती थी तो वो मेरे सॉल्व कर देते थे। सृष्टि, एक और मेरा सवाल नया आपसे है कि आप पढ़ने लिखने के बाद आप सेकेंडरी एजुकेशन आप क्रॉस कर गई हैं, अब हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ रही हैं, तो क्या उद्देश्य रहेगा? मेरे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे आपसे, खास तौर पर क्या देख रही हैं आपको? आगे जाके मैं बीए करूंगी, जिससे मुझे यूपीएससी के लिए बहुत ही मुझे बेस मिलेगा और काफी मदद होगी। आईएएस बन गए, आईएएस का ही स्ट्रीम आपने क्यों चुना? क्या आईएएस को लगता है आईएएस के करके कुछ अद्भुत कर पाएंगे, कोई अनोखा कर पाएंगे, क्या लगता है मुझे ऐसा? कि समाज सेवा जो लोग कहते हैं इसके लिए, और जिससे मुझे पर्सनल सेटिस्फेक्शन मिलेगा। इसमें काफी सारी फील्ड है, सिर्फ एनजीओ अगर लोग खोल लेते हैं तो वो सिर्फ एक बेसिक चीज के लिए होता है, एक मेन फील्ड के लिए होता है, लेकिन हम जानते हैं सिविल सर्विस एक ऐसी पोस्ट है जिसमें वेरियस सारी चीजें आती रहती हैं, अलग अलग फील्ड आती थी, इसलिए मैंने उसको चुना है। मैं समाज सेवा भी हो जाएगी और मेरा जो पर्सनल सेटिस्फेक्शन है वो भी मेरा पूरा हो जाएगा। एक और सवाल आपसे नया है कि कितने घंटे आप रोज पढ़ती थी स्कूल के अलावा? मैं घंटे तो नहीं देखती थी, लेकिन जो मैंने सोच रखा था सुबह से कि हाँ ये वाला लेसन कंप्लीट करना है तो वो करके ही सोना है, जैसे उसके बिना, क्योंकि हर रोज का टाइम टेबल हर दिन नया होता है, उसका हर रोज का सेम टाइम टेबल तो हो नहीं सकता, हर एक दिन में नए नए कार्य होते हैं, कहीं कुछ काम आ गया बीच में तो, लेकिन जो मैंने सोचा है कि हाँ ये वाला चैप्टर या दो चैप्टर जितने भी हैं उन सबको कंप्लीट करना है, तभी ऐसे घंटे से मैंने कुछ नहीं सोचा चला कि हाँ इतने ही पढ़ने हैं या वो, अपने आप को लिमिटेड नहीं रखा। एक और सवाल आपसे, आपके हॉबीज क्या है? क्या खान पान में आपको क्या शाकाहारी हैं या मांसाहारी हैं, या खेल पसंद है, फिल्म पसंद है, क्या रुचि है आपकी पढ़ाई के अलावा? पढ़ाई के अलावा जैसे अभी जब मैं फ्री हुई एग्जाम देके तो मैंने थोड़ा कुकिंग वगैरह में ध्यान दिया, भैया के साथ मिलके अपने मैंने खाना वगैरह बनाया, कई सारी जो हमारा जंक फूड खाते हैं मैंने सोचा घर का बना हुआ थोड़ा हमारे लिए पौष्टिक हो जाएगा, और मैं वैसे शाकाहारी हूँ। और कुछ कहना चाहेंगी मेरे दर्शक आपको देख रहे हैं, कि खासतौर से बेटियां भी आपको देख रही हैं, वो बेटियां जो कि 12th में इस साल आई हैं और बोर्ड का एग्जाम देना चाहेंगी, उनके लिए कुछ टिप्स सफलता के देना चाहेंगी मेरे दर्शक? आपने जो विषय चुना है मुझे पूरा यकीन है कि आपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चुना होगा, इसलिए उसी में पूरा फोकस करिए, और जैसा मैंने कहा कि घंटे ना देखिए, ये देखिए कि हमारा रोज का जो रूटीन है, मतलब कि जो आपने सोचा है उसी को पूरा करें। देखिए ये थी सृष्टि स्वरूप, यहाँ पर बनखंडी नाथ मंदिर के वाले रोड पर इनका आवास है, सुरेश शर्मा नगर से दाखिल होंगे। अब हम करने जा रहे हैं इनके माता पिता से बात, जिसको सृष्टि स्वरूप ने अपने वार्तालाप के दौरान प्रमुखता से जिक्र भी किया, चर्चा भी की है कि मेरे माता पिता का विशेष रोल था इसकी कामयाबी के पीछे। आइए मिलते हैं सृष्टि के माता पिता से, जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारी ये खास वीडियो। दोस्तों नमस्कार, अभी हमने बात की थी सृष्टि स्वरूप से, जो कि भारतीय विद्या भवन स्कूल की 12th क्लास की टॉपर है और वो भी ह्यूमैनिटी विषय के साथ।
अपनी बातचीत में सृष्टि ने अपने माता पिता का जिक्र किया था, पिताजी पास मौजूद है, माता जी मौजूद है और भैया भी मौजूद है, जिनकी चर्चा सृष्टि ने अपने भाषण में की। डॉक्टर साहब कैसा फील कर रहे हैं अपनी बेटी की इस कामयाबी पर, क्या कहना चाहेंगे, कैसे सपोर्ट करते थे? मैं इसको कभी मैंने फेस नहीं करा कि इतनी देर पढ़ना है या किसी काम का प्रेशर नहीं देता था। मैं इससे कहता कि अपने आप ही जितनी इच्छा है अपना पढ़ाई करो, ठीक है, और ये अपने आप ही पढ़ती थी और बहुत ही शुरू से ब्रिलियंट रही है। क्या आप इस समय कर रहे हैं, मेरे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे इस तरीके? मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मेडिकल प्रैक्टिस कर रहा हूँ नेचुरोपैथी की। मैं क्या कहना चाहिए, क्या नाम है आपको बताना चाहेंगे? मेरा नाम हिमांशु शर्मा है, मैं प्राथमिक विद्यालय मीरपुरी की प्रधानाध्यापक हूँ और मेरी बेटी ने मुझे एक गर्व का बहुत बड़ा मौका दिया है, जिसके लिए मैं जो है सबका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज जो है उसकी सफलता जो उसे मिली है इंटर क्लास में टॉप करके, उसके मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कितना जो है उसके लिए अच्छा महसूस कर रही हूँ। भैया क्या कहना चाहेंगे दीदी का, मैं भी आप भी ऐसे करेंगे कुछ बढ़िया? हाँ, मैं ऐसे करूँगा और मुझे बहुत खुशी हुई है कि मेरी दीदी ने इतना बढ़िया टॉप किया स्कूल में, इसलिए। क्या नाम है आपका? देवांश रूप शर्मा, मैं क्लास 6 में पढ़ता हूँ। देवांश, उसी स्कूल भवंस में? यस। देखिए ये थी पूरी फैमिली, माता पिता भाई सृष्टि के। देखते रहिए गंभीर न्यूज, जुड़े रहिए हमारे साथ।